नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों हनुमान फिल्म के ट्रेलर रिव्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों हनुमान बजरंगबली क्या जबरदस्ती है ट्रेलर बनाया गया है, पैन इंडिया मूवी है। और दोस्तों आपको बता दूं कि ज्यादा बड़ा बजट इस फिल्म का नहीं है, तेजा सजा टाइटल रोल में। और दोस्तों जिस प्रकार का इसने VFX यूज किया है ना, तो आपको मतलब देख के लगेगा कि यार ये करोड़ों रुपए की 300-400 करोड़ की फिल्म बनाते हैं बॉलीवुड वाले, और वहां पे VFX इतना घटिया किस्म का होता है। ज्यादातर फिल्मों में आदि पुरुष आपने देखी थी, और यहाँ देखिए दोस्तों ज्यादा बड़ा बजट इस फिल्म का नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के VFX इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, तो आप देखिए आप दंग रह जाएंगे। मतलब और क्या फिल्म बनाई है दोस्तों, हमारी भारतीय जो इतिहास है, जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, सनातन सभ्यता संस्कृति पर आधारित ये फिल्म वीर बजरंगबली को जिस किस प्रकार से रिलेट करके एक सुपर हीरो के, जो भारत के जो असली सुपर हीरो है, उनको किस तरीके से पेश किया गया, ये वाकई मतलब काबिले तारीफ मुझे लगा ट्रेलर के अंदर। और बजरंगबली का जो बर्फ के गोले में से जो बाहर निकलती है उनकी स्टेच्यू, या उनका जो एक ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए है, वाकई मतलब जबरदस्त एक VFX आपको वहां देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हेलीकॉप्टर को रस्सी से रोकते हैं तेजा से जा, वो सीन भी दोस्तों बहुत ही कमाल का लग रहा है यहाँ पे। बाकी जितने भी एक्शन सिक्वेंसेज दिखाई गई है, जिस प्रकार से उनकी एंट्री दिखाई गई है, और जिस प्रकार से दोस्तों जो बैकग्राउंड में जो हमारा जो मंत्र उच्चारण हो रहा है, बजरंगबली का जो मंत्र उच्चारण हो रहा है, उनकी जो महिमा का वर्णन किया जा रहा है, वाकई दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इतना दिल को सुकून मिलता है कि चलो साउथ वाले एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो हमें एक भारतीय होने के नाते, एक सनातन प्रेमी होने के नाते गर्व का मतलब एक एहसास कराती है, एक अनुभूति देती है। तो ट्रेलर वाकई काफी अच्छा है, तेजा सज्जा इसमें है, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं उनका लुक, और जिस प्रकार का उनका एक्शन है, जिस प्रकार के डायलॉग है, डबिंग भी काफी अच्छी लगी मुझे। तो चाहे आप ट्रेलर की विजुअल्स देख लीजिए, चाहे आप सिनेमाटोग्राफी देख लीजिए, चाहे आप डायलॉग्स देख लीजिए, या दोस्तों उनकी कलाकारों की जो परफॉर्मेंस है वो देख लीजिए, एक्शन सिक्वेंसेज देख लीजिए, VFX देख लीजिए, और जो BGM है कमाल का है दोस्तों, काफी जबरदस्त मुझे ये ट्रेलर लगा है। और दोस्तों आप बता दो कि 19 तारीख को इसका ट्रेलर आया है, और 12 जनवरी को ये फिल्म वर्ल्ड वाइड पैन इंडिया मूवी है, तो वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को रिलीज किया जा रहा है। तो काफी बेहतरीन मजेदार मतलब मुझे जबरदस्त एक मजा आया इसमें ट्रेलर को देखने में। और दोस्तों गर्व का अनुभव होगा कि ऐसी फिल्में हमारे साउथ वाले बना रहे हैं, और इस फिल्म को अगर ढंग से प्रमोट किया गया तो डेफिनेटली ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक काफी बड़ा एक हंगामा, एक बवाल क्रिएट करने में सक्षम मुझे नजर आ रही है। कम से कम मुझे तो काफी जबरदस्त लगा है जो VFX जो एक्शन सिक्वेंसेज, क्या तारीफ करूँ दोस्तों मैं, बिल्कुल कमाल की फिल्म। और बजरंगबली हनुमान जी महाराज को एक रिलेट कर करके, जो वाकई हमारे मतलब देश के सुपर हीरो है, भगवान तो हम सबके है ही, लेकिन अगर हमको प्रेरणा ही लेनी है तो हम क्यों बैटमैन वगैरह से प्रेरणा ले, स्पाइडरमैन वगैरह से प्रेरणा ले, जब हमारे पास ही इतने सारे मतलब एक से बढ़कर एक महाबली हनुमान जैसे मतलब सुपर हीरो मौजूद है। तो उन्हीं को ध्यान में रख करके ये प्रशांत वर्मा ने ये फिल्म बनाई है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त मुझे ये फिल्म लगी है, काफी पसंद आई मुझे। 4.5 स्टार आउट ऑफ 5 में इसके ट्रेलर को देना चाहूंगा। आप बताइएगा आपको ट्रेलर कैसा लगा, सपोर्ट कीजिए फिल्म को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।